गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टर्म वन मैथमेटिक्स का पेपर वन फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड रैशनल नंबर क्या होगा। तो एक रैशनल नंबर ले लेते हैं हम लोग, नॉन जीरो रैशनल इरैशनल और रैशनल नंबर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा जो 3/4 और एक √2। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक इरैशनल नंबर बनेगा, इरैशनल नंबर आएगा। तो इसका आंसर आपका सी होना चाहिए, ऑलवेज इरैशनल नंबर आएगा। सेकंड क्वेश्चन इज √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0.5, दो नंबर दिया है 0.5, क्वेश्चन नंबर 2 0.5 दो पॉइंट है एंड -5.0 इज। तो कैसे सॉल्व करेंगे, द डिस्टेंस निकाल लेंगे, बोले लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी डी डी मान लिए, सो डी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। तो d इससे निकल जाएगा 5 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 मैंने रूट फिफ्टी मीन्स 5 टू रूट यूनिट्स होगा। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता था, √2 टाइम्स द डिस्टेंस, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है जो ये निकला है डी, इसका √2 टाइम्स तो हो जाएगा 5, √2 का √2 लिख दिए और डी का वैल्यू आपका आया 5√2, तो 5 × 2 दैट इज 10 यूनिट्स। अब यूनिट्स में आपका सेंटीमीटर मीटर जो क्वेश्चन में कुछ यूनिट नहीं लिखा है, सिर्फ यूनिट्स लिखना है। तो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज, 21 सेंटीमीटर डाया दिया हुआ डायमीटर, सरकमफ्रेंस निकालना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, यहाँ r है डायमीटर का, आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। इसको इसमें पुट करेंगे तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 × π, पाई का वैल्यू 22/7 ×, और आर का वैल्यू 21/2 रखें, ठीक है। यहाँ पर 21 था, यहाँ 7, इसलिए 3.14 नहीं रखेगा, 7 से 21 कट जाएगा आराम से। तो 7 × 21 = 2 = 11, दो दो से भी काट सकते हैं, तो 22
66 सेंटीमीटर 66 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, तीन थ्री का ऑप्शन ए आएगा। फोर का क्वेश्चन नंबर फोर इज इफ अल्फा अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स, पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी सी सच दैट अल्फा अल्फा सच दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन सी इज इक्वल टू, देन सी का वैल्यू निकालना है, सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू व्हाट, सी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो सी के वैल्यू निकालना है इसमें एक्स एक्स स्क्वायर माइनस पी का माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी माइनस सी। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिए। अब अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, इसमें एक अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो इसके इससे क्या निकलेगा माइनस बी, ये है तो माइनस पी वन, ये कितना है वन, ठीक है यहाँ पर ये वन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये पूरा सी हो गया, तो बी बाई ए तो माइनस 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 प्लस तो ओनली पी बाई वन कुछ नहीं, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज तो क्या उसमें होगा c क्या है माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अब ये अल्फा और बीटा का दो रिलेशन निकल गया, क्वेश्चन में दिया है अल्फा प्लस वन क्वेश्चन में क्या दिया कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। और हम लोग इससे पहले अभी ये इक्वेशन है इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों का वैल्यू हमें निकाले हैं। तो अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस बीटा पी है और इसका पी माइनस पी प्लस सी है, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर पी है और ये हो गया माइनस पी प्लस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ माइनस और प्लस प्लस माइनस ख़त्म, प्लस प्लस पी माइनस पी ख़त्म हो गया, तो यहाँ माइनस सी प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन सी इज इक्वल टू वन, तो सी का वैल्यू कितना है वन, ऑप्शन नंबर वन ए, पहला ऑप्शन में वैल्यू दिया, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व करें, विच ऑफ द इक्वेशन हैज सॉल्यूशन एज एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू वन,
ये एक्स और वाई की वैल्यू दिया, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सही होगा। तो चार ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन में इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चार ऑप्शन जो दिए हुए, चारों को एक एक करके देख लेने से। तो पहला ऑप्शन है 2x प्लस 7y इक्वल टू 11, तो इसमें इसमें 2 का x के वैल्यू 2 और y के वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 11 आ रहा है क्या? तो 7 प्लस 4, 7 4 11, तो LHS बराबर हो गया। पहला ऑप्शन ही आंसर है, पहला ऑप्शन ही आंसर है, ज़्यादा हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऐसे चारों इक्वेशन आप देख सकते हैं PDF में। 4x माइनस 2y इक्वल टू 5, तीसरा है x माइनस 3y इक्वल टू 5, चौथा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 8। तो पहला ऑप्शन ही आंसर है, ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर क्या होगा? ए प्राइम नंबर है कि एड नंबर, ऑड नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है और कि एन ऑड कंपोजिट नंबर है। तो इसमें देखा जाए, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए और इसको बी मान ले, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 119 प्लस 111 और 119 माइनस 111, इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 9 + 6 = 230 इंटू 8। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने पे ये 23 गुना 5 इंटू 2, ये हो गया 230 का और इसका हो गया 2 to the power 3। तो इसको देखें अगर, तो 23 इंटू 5 इंटू 2 का पावर 4, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन जो है मोर देन 2 फैक्टर का है, दैट इज एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज। एक साल में 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? वन ईयर में 53 संडेज का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो एक साल में, वन ईयर में 52 वीक्स होता है, वीक होता है, ठीक है, तो 52 तो ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो 300 और एक साल हम बोल सकते हैं 365 दिन का। ठीक है, तो 365 दिन तो बचा, मतलब 365 दिन डिवाइडेड बाय 52 वीक्स, 52 वीक्स सात दिन 34 35 36, एक दिन बच रहा है 365 दिन में, 52 वीक तो पूरा ख़त्म हो जा रहा है, तो बच रहा है ओनली वन डे जो है वो संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है, सातों दिन हो सकता है। तो एक दिन जो बच रहा है वो संडे होने का क्या चांस है? तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना बच हो रहा है, नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज 7 और उसमें एक दिन संडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे इज 1 बाई
7 1 by 7 इसमें ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन है दैट इज डी आंसर डी नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 इज 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 9x² - 3a - 1x + 5 देन द वैल्यू ऑफ ए निकालना है क्या बोला गया 3 इज पहला स्टेटमेंट का इफ 3 इज 1 of the 0 एक तो 0 है 0 क्या है अल्फा बीटा 0 होता है ठीक है तो एफ एक्स इक्वल टू दिस ए का वैल्यू निकालना है तो एफ 3 इज इक्वल टू एक 0 है तो 0 इज इक्वल टू इसमें 3 सबको वैल्यू 3 पुट करिए 9 into 3 का स्क्वायर माइनस 3 a - 1 into 3 + 5 इक्वल टू 0 है तो हो गया 81 - 3a - - +3 अच्छा इसके बाद ये 3 यहाँ पर भी है प्लस 5 81 = 0 81 - 9a + 9 + 5 = 0 इसको सॉल्व कीजिए ये सॉल्व करने पे इसे 95 = 9a तो a = 95/9 ऑप्शन में 95/9 ये बी नंबर ऑप्शन है तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 9 को 9 है इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3, 5 लाइज ये पॉइंट जो है कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऐसे करके देखते हैं ये एक्स होता है ये एक्स डैश होता है ये वाई होता है ये वाई डैश होता है तो 3 - 3 - 3 इधर आ जाएगा और +5 इधर आ जाएगा तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है बी है ना ऑप्शन बी सेकंड क्वाड्रेंट क्वेश्चन नंबर 10 द सम ऑफ टू नंबर इज 137 सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 तो सम एक्स प्लस दो नंबर है एक्स और वाई इसका सम है 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43 और इसका डिफरेंस इज 43 तो द सिचुएशन कैन बी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट इस सिचुएशन का ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और ये दो इक्वेशन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में तो क्वेश्चन ही आंसर बता रहा है ठीक है इसमें कुछ करना है नहीं है और ये हो गया 10 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 11 इफ द सम ऑफ द सरकमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 51 देन रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर सम ऑफ द सरकमफेरेंस और रेडियस को जोड़ दें तो सर्कल का सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr और रेडियस ये r क्या है रेडियस है तो रेडियस इक्वल टू r इसका सम तो मैंने 2πr + r इज इक्वल टू बोलता है कितना है क्वेश्चन में बोल रहा है 51 है
तो रेडियस वाला सर्कल निकालना, तो उसको सॉल्व कर दीजिए, 2πr इंटू 2πr प्लस r इक्वल टू 51। तो r को कॉमन निकाल लेते हैं और 2π 22/7 इंटू 2 44/7 प्लस 1 इक्वल टू 51, r का वैल्यू निकालना है। तो 44 प्लस 7/7 इक्वल टू 51 इंटू आर, 51/7 इक्वल टू 51, उधर चल जाएगा तो r इक्वल टू 51 इंटू 7/51 ये कट जाएगा, दैट इज 7 इज द 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन कितना में है, डी इज द ऑप्शन, 7 सेंटीमीटर लिखा है। तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ए बी इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, इफ द पेरीमीटर ऑफ द डी ई एफ, पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ का 25 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज वॉट। पेरीमीटर 25 दिया हुआ ट्राइंगल डी ई एफ का, पेरीमीटर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई डी, ठीक है। तो इसको निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 9.1 दिया हुआ, 6.5 दिया हुआ और ये ऊपर चल जाएगा तो 25 ऊपर चले गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व करेंगे 35 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा, 35 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सॉल्व करेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2³ × 3, बी इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, सी इक्वल टू 3⁻⁵ एंड एलसीएम ऑफ ए बी सी दिया हुआ है 2³ × 3² 3² 5, देन n इक्वल टू वाट। अब ये क्वेश्चन जो है बनाने के लिए आपको एलसीएम वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, एलसीएम कैसे बनेगा,
एलसीएम ऐसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी तीनों का एलसीएम निकालेंगे, लिस्ट काउंट क्या होगा, 2 to the power 3, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 10 into 5 to the power 1. जो कि बराबर है 3 to the power 2 यहाँ इंटू, ये एलसीएम निकाला गया इससे और ये दिया हुआ है ये वाला वैल्यू, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, इससे एलसीएम निकाले हम, तो ये 2 to the power 3 to the power कुछ नहीं है, तो एन का वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम देख रहे हैं एन का वैल्यू कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर 3 का वैल्यू 2 एन है, या 3 का वैल्यू 2 मतलब क्या है, इक्वल टू 2, और ऑप्शन नंबर है बी नंबर ऑप्शन है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 18, बी सी इक्वल टू 14, ए बी इक्वल टू 18, बी सी इक्वल टू, मान लो ए बी है बी सी है ऐसे, बी सी 18 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है, अच्छा सेमी सर्कल पोर्शन ऑफ बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी डी बी सी सेमी सर्कल पोर्शन बी सी एज डायमीटर इज कट ऑफ, एक सेमी सर्कल बी सी डायमीटर का इसको निकाल दिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर, अच्छा ठीक है सिंपल है, एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ए इंटू बी मतलब 18 इंटू 14, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्यों 7 हो जाएगा, कि ये हो गया आपका 14 तो इसका आधा लेंगे तो ये 7, इस चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में ही गलती हो जाता है, हड़बड़ी में आदमी 14 ले लेगा, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो गया 7 × 7 क्यों स्क्वायर है बाई 2, तो ये 22/7 ख़त्म हो गया, ये जो 11 तो 11 × 7 = 77 और ये 18 × 14 = 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये जो एरिया है सेमी सर्कल का ये इससे निकाल दिया गया, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर इज इक्वल टू 252 - 77, ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन 175 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एन आर 4 और 5, 4 और 5 दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का जीरोस जोड़ो जो है, दो पॉलिनोमियल दो जीरो होगा 4 और 5 दिया हुआ है, देन एम और एन का वैल्यू निकालना है, एम और एन का वैल्यू दिया हुआ उसको निकालना है, क्या होगा, यहाँ पर ए क्या है, ये वाला ए है, ये वाला बी है और ये सी है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए
और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, इतना ये क्लियर है। तो बी माइनस बी हो गया ये, ए हो गया ये, ए सॉरी ए हो गया वन, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा वो ए कहलाएगा, एक्स का कोफिशेंट बी कहलाएगा और ये सी कहलाएगा। तो एम प्लस वन बाई वन, मतलब सिर्फ ओनली एम प्लस वन लिखेंगे, और सी बाई ए, सी का वैल्यू एन बाई वन, दैट इज ओनली एन, ठीक है। तो एम का वैल्यू एम प्लस वन, और हाँ अच्छा अब एम और एन का वैल्यू निकालना, ये इज इक्वल टू होता है दिया हुआ क्वेश्चन में चार है और पाँच है, क्वेश्चन ठीक है। सॉरी सॉरी ये माइनस लिखना भूल गए, तो ये हो गया माइनस एम एम प्लस वन, ठीक। ठीक है तो ये क्या है माइनस एम प्लस, यहाँ चूँकि माइनस था माइनस बी बाई ए, तो एम प्लस वन बाई वन, और ये हो गया माइनस एम प्लस वन, एम प्लस वन से फैलाएगा जो कि दो सम का ऐड के बराबर है, तो फोर प्लस फाइव इक्वल टू एम प्लस वन। तो इक्वेशन क्या है बन के निकल के है, तो माइनस एम माइनस वन इज इक्वल टू चार पाँच नौ नौ और एन, एन यहाँ एन इक्वल टू टेन, एन इक्वल टू टेन, पाँच हो गया बीस, ये दो इक्वेशन बन गया है। तो एम और एन का, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम को इधर ले जाइए एन को इधर ले जाइए, तो एम इक्वल टू माइनस टेन, तो एम का वैल्यू माइनस टेन और एन का वैल्यू ट्वेंटी, ऐसा कोई ऑप्शन है जरा देखिए, एम का वैल्यू माइनस टेन, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है इफ क्यू इज इक्वल टू ए सॉरी क्यू इंटू ए बाई थ्री और माइनस फोर, अच्छा पॉइंट दिया हुआ है क्यू ए, क्यू पॉइंट है ए बाई थ्री एंड माइनस फोर इज द मिड पॉइंट, ओके ये मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी, ये पी का वैल्यू दिया हुआ है ज्वाइनिंग द वैल्यू पी सिक्स फाइव एंड आर टू माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए, अच्छा वैल्यू ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए क्वेश्चन क्या समझ में आया, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट आर है, इन दोनों का मिड पॉइंट एक है, इसको बोलते हैं क्यू नाम दे दिया गया, और ये पी का वैल्यू सिक्स फाइव, सिक्स माइनस फाइव और ये टू माइनस थ्री, और क्यू का वैल्यू दिया हुआ ए बाई थ्री और माइनस फोर, तो इस ए का वैल्यू निकालना है। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला याद है, याद रखिए क्या है मिड पॉइंट वाला फार्मूला, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला है मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है। तो मिड पॉइंट ए बाई थ्री माइनस फोर है इज इक्वल टू एक्स वन कितना दिया सिक्स, सिक्स प्लस टू बाई टू और वाई है माइनस फाइव प्लस माइनस थ्री
बाई टू, ठीक है, दो आठ बट दो चार, छः सात आठ, आठ बट दो हो गया पाँच, तीन आठ, आठ बट माइनस माइनस एट बाई टू, तो यहाँ से देख रहे हैं ये हो गया आपका चार बटा दो माइनस सॉरी चार और ये माइनस चार, तो आपका हो गया ये माइनस चार, तो इससे मैच कर गया और ए बाई थ्री इज इक्वल टू फोर, तो ए इज इक्वल टू चार तिया बारह, ट्वेल्व इज द आंसर। और ऑप्शन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सोलह था, सोलह का ऑप्शन नंबर बारह है आपका ए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दैट इज ट्वेल्व। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, ओके, इन द पेयर ऑफ इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन, इसको देखिए, अगर हम लोग को जो दिया गया है कंडीशन, तो ये ए एम, ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, तो ए बाई एल इज नॉट इक्वल टू बी बाई एम, बी बाई एम, तो ये कंडीशन जो है यूनिक सॉल्यूशन का है, यूनिक सॉल्यूशन का है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड जो होता है कितना होता है, एक पूरा सेट जो होता है कार्ड का, उसमें फेस कार्ड मतलब फेस कार्ड क्या क्या होता है, क्वीन, किंग और जैक का, तो अलग अलग शेप्स का जो होता है, चार शेप होता है इसमें, एक शेप में तीन, तो चार शेप में टोटल 12 फेस कार्ड होता है, 12 फेस कार्ड होता है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड, दैट इज 12 बाई 52। 12 बाई 52 ऑप्शन में नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो आपका 3 बाई 13 आएगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह से सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच रिफ्लेक्ट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3, 5 इन एक्स एक्सिस। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए ये कोऑर्डिनेट है 3, 5, -3, 5, -3 इधर जाएगा, -3 इधर आएगा, 5 यहाँ,
मान लिए माइनस थ्री फाइव है, ये पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ वो मिरर लगा देंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर कहीं आएगा, देखो तो क्या एक्स एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस अच्छा रिफ्लेक्स इक्वेशन में भी रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन एक्स एक्सिस है ना, ओके तो इस क्वेश्चन में एक चीज समझने वाली चीज है कि एक्स एक्सिस में मिरर लगाया गया, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट थ्री फाइव, देखिए माइनस थ्री और फाइव है इसका रिफ्लेक्शन, तो इन एक्स एक्सिस बोला है, अगर ये एक्स एक्सिस में मिरर लगा दिया तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन का पलट कर देते हैं एग्जाम में कि वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस तो ये वाई एक्सिस में मिरर लगाएंगे और बोलेंगे तो तब इस पर ये पॉइंट होगा, तो अभी हम लोग का क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन के लिए ये आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा, दैट इज द माइनस थ्री माइनस फाइव इज द रिफ्लेक्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 20 एक नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है टू, क्वेश्चन नंबर 20 2.13113111311113 इतना ऐसा नंबर दिया गया, इस क्या है एक टर्मिनेटिंग डॉट 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 दिया है, इसको मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि एक बार 13 है, फिर 113 है, फिर 111113 है, फिर चार बार 13 है, इसका मतलब इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसमें इट मस्ट बी इरेशनल नंबर। देखिए दो तरह से ऑप्शन में तो ये दिया हुआ, लेकिन ऑप्शन में आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो 20 क्वेश्चन हो गया, 21 क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी आ जाता है, ठीक है, सेक्शन बी का 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोलता है 20 क्वेश्चंस ऑफ मार्क्स वन एनी 16 आर अटेम्प्टेड, कोई 16 अटेम्प्ट करना है, तो द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 126 सेंटीमीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल, 400 रिवॉल्यूशन, 400 बार चक्का घूमेगा तो कितना दूर जाएगा, तो कुछ नहीं है, एक रोटेशन में एक सरकमफेरेंस चलता है, 400 बार सरकमफेरेंस निकाल देंगे, तो इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 1.26 डायमीटर दिया हुआ है 1.26 और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है, सरकमफेरेंस का 2π × r, तो r निकालना है, तो रेडियस इससे निकाल लीजिए, रेडियस कितना निकलेगा, 0.63 क्या है, मीटर सेंटीमीटर ऑप्शन आंसर में क्वेश्चन में मीटर लिखा हुआ है, तो 0.63 मीटर इसका रेडियस हो गया, तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, 2 × 22/7 × 0.63 तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा एक रिवॉल्यूशन का 3.96, ऐसा एक रिवॉल्व करेगा तो इतना मीटर चलेगा, 400 बार रिवॉल्व करेगा तो 400 × सरकमफेरेंस करना होगा, तो 400 × 3.96 दैट इज 1584 मीटर, 1584 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है इफ पी
by this q plus r equal to 0, then 0 is the polynomial f. ये कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। इज इसमें इसमें अगर देखें तो ये कंडीशन आने का कैसे आएगा, तो अगर p का वैल्यू -1 रखे तो p -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 प्लस r, तो ये हो गया p माइनस क्यू प्लस आर। तो ये तो आ गया ए वाला कंडीशन, मतलब p -1 रखेंगे तो ये इक्वल टू 0 है, मतलब p -1 इक्वल टू 0। तो 0 एक -1 जो है, -1 इज द 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बोलता है, फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 47x प्लस 31y इक्वल टू 18 और 31x प्लस 47y इक्वल टू 60, वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, x प्लस y का निकालना है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन x प्लस वाई का वैल्यू, तो इससे x का मैं निकालना होगा पहले और y का वैल्यू निकालना होगा, इससे x ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसका x और y के वैल्यू निकालते चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो कुछ नहीं, 47 इस इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आपका देखिएगा 7x 28x प्लस 78y इक्वल टू, इसमें आ गया 78, सब में 78 ही आ गया, तो 78 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इक्वल टू 78, तो ये 1 हो जाएगा, तो x प्लस y इक्वल टू 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, x प्लस y की वैल्यू खुद निकाल लिए। ऑप्शन नंबर 23 का 1 है, ए नंबर ऑप्शन है, दैट इज ए, 1 आंसर है, ठीक है। अब आएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इफ एलसीएम इज इक्वल टू 350, इफ एलसीएम 350 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 25 इंटू 70 एंड देयर एचसीएफ दे दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 5 है, एलसीएम 350 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना, एचसीएफ
क्वेश्चन है मिस प्रिंट किया है, क्वेश्चन में 5 दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए HCF निकालना क्या होगा इससे। तो HCF का सिंपल फॉर्मूला होता है HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई LCM। तो 25×70 बटा 350, काट कुटा के आएगा आपका 5। तो HCF इक्वल टू 5, ये आंसर है। क्वेश्चन में 5 दे दिया है, तो क्वेश्चन तो फोकट में मिल गया है। दैट इज आंसर सी, आंसर सी होना चाहिए। चौबीस नंबर का सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CBSE जब देगा क्वेश्चन तो उसमें ये चीज़ सुधार करके देगा। क्वेश्चन नंबर 25, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट टू इलेवन फ्रॉम एक्स एक्सिस से पॉइंट इसका डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे? देखिए ये कोऑर्डिनेट है, दो एक्स में दो और एक 11, यहाँ कहीं पॉइंट मान लिया पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? 2, 11। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है कैसे निकालेंगे? तो ये दूरी बताना है, तो ये दूरी क्या है? 11। तो कितना होगा? 11 यूनिट। ये एक्स इसको मानते हैं, वाई इसको, तो एक्स एक्सिस से 11 यूनिट दूर है, वाई एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। तो आंसर इज एक्स एक्सिस से मांग रहा है तो इसे 11 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन सब था सब। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, अ बैग कंटेन थ्री रेड बॉल 7 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल? 10 बॉल है, 10 बॉल है जिसमें 3 रेड बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल 7 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट इज 7/10, ऑप्शन नंबर बी। यही पूछ देगा रेड बॉल का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, दैट इज 3/10, दोनों का प्रोबेबिलिटी जोड़ दीजिएगा 1। तो ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन में ब्लैक मांगा है तो ब्लैक इज बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 27, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये एक सर्कल है, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, 1/4 क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल और सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो निकालिए, बहुत आसान है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ये बराबर होता है 2πr, है ना, 2×22/7×r, ये इक्वल टू 44×22=44, तो r इक्वल टू 7 निकल गया। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो क्वाड्रेंट का कितना हो जाएगा? 1/4 क्वाड्रेंट का πr² / 4 हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे π/7×r का वैल्यू है 7, तो 7×7
सेवन इंटू सेवन ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। अब चूँकि एक चौथाई है तो चार से डिवाइड कर दिए, तो सेवन सेवन ख़त्म हो गया। तो सॉल्व करेंगे सतहत्तर बटा दो क्वेश्चन नंबर सत्ताईस, दैट इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है इसका। ये 27 नंबर क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। अब 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस सिक्स के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो देन वैल्यू ऑफ के, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो मान लिए एक तो अल्फा है, दूसरा क्या होगा, वन बाई अल्फा हो जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है रेसिप्रोकल मतलब वन बाई अल्फा होता है। तो ये एक तो जीरो है, ये दूसरा जीरो है, दूसरा जीरो है। तो एक फॉर्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पहला अल्फ़ा का वैल्यू अल्फ़ा मान लिया, बीटा का मैंने वन बाई अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इंटू वन बाई अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पर सिक्स के है, सिक्स के डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस नाइन, के स्क्वायर प्लस नाइन, तो अल्फ़ा अल्फा ख़त्म, के स्क्वायर सिक्स के बाई के के स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू वन, अल्फा अल्फा ख़त्म होकर वन बन गया। तो के स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू सिक्स के, के स्क्वायर प्लस नाइन इक्वल टू सिक्स के। अब इसे के का मान निकाल लेने का है, के का मान कैसे निकालेंगे, तो के स्क्वायर माइनस सिक्स के प्लस नाइन, इसको फैक्टराइज कीजिए, केस के स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस थ्री के माइनस प्लस नाइन, के का वैल्यू के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो के इक्वल टू थ्री, के का वैल्यू कितना है, थ्री आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में बोलता है टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस दिया एंड इट्स सेंट्रोइड दिया हुआ, टू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल माइनस थ्री फाइव, माइनस थ्री फाइव और सेवन माइनस फोर दिया हुआ है, दो टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, इट्स सेंट्रोइड दिया हुआ है, सेंट्रोइड दिया हुआ है टू माइनस वन, या थर्ड वर्टेक्स इज, थर्ड वर्टेक्स को निकालना है, एक वर्टेक्स दिया है, दूसरा वर्टेक्स दिया है, थर्ड वर्टेक्स निकालना है।
ये सेंट्रोइड दिया हुआ, कैसे निकलेगा? तो थर्ड वर्टेक्स को एक्स वाई मान ले, तो एक एक्स फॉर्मूला है, सबका एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री इक्वल टू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड इक्वल टू एक्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, है ना, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री इज इक्वल टू सेंट्रॉइड एक्स वाई। यही फॉर्मूला है, मतलब सेंट्रॉइड को कुछ और लिख देते हैं एम एन, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ, फिर कन्फ्यूज कर जाएंगे। तो इसके इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स प्लस माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन बाई थ्री, और इसमें हो जाएगा वाई प्लस फाइव माइनस फोर इक्वल बाई थ्री इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई नहीं, सेंट्रॉइड दिया हुआ टू माइनस वन, टू माइनस वन, इससे एक्स वाई के वैल्यू निकालना। तो ये टर्म इज इक्वल टू टू, ये टर्म इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन बाई थ्री इज इक्वल टू टू होगा, और वाई प्लस फाइव माइनस फोर बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस वन होगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन बाई सिक्स, एक्स माइनस थ्री प्लस सेवन इक्वल टू सिक्स, और एक्स इक्वल टू सात में तीन गया चार, प्लस फोर हो गया, प्लस फोर को उधर ले जाएंगे माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर, तो एक्स इक्वल टू टू आया, और इसके अकॉर्डिंग वाई माइनस प्लस फाइव माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, ये हो गया आपका प्लस वन, उधर गया माइनस वन, वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फोर, तो एक्स के वैल्यू एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा टू और माइनस फोर, टू माइनस फोर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इस तरह से सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर तीस बोलता है, नंबर एक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, व्हाट इज द नंबर, बहुत सारा दिया हुआ है, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, बहुत सारा नंबर क्या क्या दिया हुआ, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये नंबर दिया हुआ है। बोलता है कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन थ्री हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ग्रेटर देन थ्री कौन कौन सा है, ये ग्रेटर देन थ्री है, थ्री है, टोटल नंबर कितना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर सेवन है। नंबर एक्स सच दैट मॉड एक्स इज लेस देन थ्री आने का, मॉड लेस देन थ्री कौन कौन सा है, लेस देन थ्री ये है, मतलब टोटल फाइव कौन कौन सा है, टू माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू, इतना ही है मॉड ऑफ लेस देन माइनस थ्री, तो टोटल नंबर कितना है, पाँच टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू फाइव बाई सेवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31
There are deer and peacock in a zoo. By counting the head, they are 52. The number of legs, 176. Number of peacock निकालना है. तो number of deer and zoo and peacock. ठीक है. तो deer legs का बात करें. तो legs का बात करने से four legs होता है deer का. तो डियर को मान लिए x, तो 4x प्लस पिकॉक को मान लिए y, और पिकॉक का 2x होता है, तो टोटल काउंट होगा 176. और डियर का भी 1 हेड और पिकॉक का भी 1 हेड इज इक्वल टू 52. इसको सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस इस ये इक्वेशन को यहाँ लिखते हैं 176, और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 104. इसको माइनस कर देंगे तभी तो इसको काटेंगे. तो ये हो गया 2x इक्वल टू 6 में से डर गया 2 और 7 72. तो x इक्वल टू 36. अच्छा x इक्वल टू 36 निकला. तो y निकालना है ना, y पिकॉक का संख्या निकालना है, नंबर ऑफ पिकॉक्स निकालना है. तो x के वैल्यू किसी इसमें पुट कर देते हैं, x प्लस y इक्वल टू 52, x का वैल्यू 36 प्लस y इक्वल टू 52 माइनस 36. तो y इक्वल टू 16 इज द पिकॉक की संख्या. तो बी ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. अगर यही क्वेश्चन पूछता है डियर की संख्या कितना होता है, तुम लोग x निकाल कर खुश रहते हैं, 36 कर देते हैं. ठीक है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो चार का ऑप्शन दिया हुआ है. अब इसमें 2 टू द पावर n m इंटू 5 टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके देखेंगे. डिनोमिनेटर जो होगा इसका ये आएगा, इस फॉर्मेट में आएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देख लीजिए, एक टो करके दिखाते हैं. पहला वाला 16/50 दिया हुआ, तो 16 को 16 रहने दीजिए और 50 को फैक्टराइज कीजिए. फैक्टराइज करेंगे कैसे, 2 25 5 5 25, तो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 2 इस फॉर्मेट में आ गया. तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग. तो ये नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, तो इस तरह सबको करना है. नेक्स्ट है 5/18. तो 5/18 में 5 इंटू 6 18, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 18. तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा. तो इस तरह से दो ऑप्शन का निकालना है. तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी कर ही लेते हैं, इतना कर लिए हैं. तो 2/21, तो 2 3 × 7, ये तो अलग ही दुनिया का है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग. और नेक्स्ट लास्ट है 7/250. तो 250 को फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा, 5 5 25 50. 50 को फिर 2 25
पाँच इंटू पाँच मतलब 7/2 to the power 3, 2 to the power 1, 5 to the power 3, ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 आर टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग पूछ लेगा तो ऑप्शन नंबर 1 and 4 ऑप्शन नंबर 2 and 3 आर नॉन टर्मिनेटिंग। बत्तीस नंबर सॉल्व हो गया। 33 नंबर सॉल्व करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड देन द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब द मिनट हैंड इन 35 मिनट। 35 मिनट मतलब एक घड़ी अगर ये है तो 35 मिनट चलने के लिए यहाँ से यहाँ चला, अब यहाँ से इतना पूरा घूमेगा यहाँ तक पहुँचेगा 7 के घर तक, 12 से लेके 7 के घर तक, ये होगा आपका मिनट हैंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। पहले ये देख लीजिए, 360 डिग्री घूमता है तो एक सर्कल बन जाता है। तो यहाँ यहाँ से लेके ये 7 तक जाने में, 12 से लेकर 7 तक जाने में कितना कितना डिग्री का एंगल एक्चुअल में बना रहा है, तो इसको करने के लिए कैसे निकालेंगे। ये 5 60 मिनट में 360 डिग्री 360 डिग्री चल 60 डिग्री मूव करता है, मूव 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट में 360 डिग्री, इसको उल्टा करके लिखते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करता है। तो 35 मिनट में कितना मूव कर, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 360/60 और 35 मिनट में 360/60 इंटू 35 36 इतना हो गया, 6 × 35 तो 19 × 21 210 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री का, 210 डिग्री का। तो एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है, इस सेक्टर का फॉर्मूला निकालना, एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू एरिया, एरिया निकाल रहे हैं तो 2πr², तो थीटा कितना है, 210/360 इंटू पाई इंटू r², आर का बाहर वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 6 × 6। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 7×21 12×36 12 से कट गया, 6 × 12 = 2 = 11 टोटल 66 cm² इज द आंसर। ये ऑप्शन नंबर ले 33 का नहीं दिया है ऑप्शन, 33 का कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है 265 266 264 और लास्ट ऑप्शन दिया नॉन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन कोई है ही नहीं, तो नॉन ऑफ द अबव। स्टूडेंट क्या सोचेगा, कोई ना कोई तो आंसर होते करेगा, कुछ ना कुछ मार देते हैं बस गलत हो जाएगा। तो पहला सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आए तो लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव जो दिया हुआ उसको टिक करने का है। इस तरह से 33 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होगा। 34 नंबर में है इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल
पॉलिनोमियल दिया हुआ के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट देन के का वैल्यू के बोलता है सम ऑफ द प्रोडक्ट सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ठीक है अल्फा बीटा दोनों जीरो है दोनों का जोड़ दोनों का गुना बराबर है यही बोल रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा सी बाई ए तो ए का मान तो ऐसे ही खत्म हो गया ए का वैल्यू ए माइनस बी बाई ए तो बी बाई माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस टू बाई के इज इक्वल टू सी बाई के सी बाई ए क्या होगा सी थ्री बाई के थ्री के बाई के पूरा ये सी है ए वाला बी है ए वाला ए है तो के और के खत्म और के का मान निकालने बोल रहे हैं तो के इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री ऑप्शन नंबर बी इज द राइट 34 नंबर का 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द पॉइंट 3a लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2x माइनस 3y प्लस 5 तो 35 नंबर क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है 3a लाइज ऑन द पॉइंट 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एक लाइन है इसमें ये पॉइंट आना चाहिए ठीक है तो x और y का मान इसमें पुट कर दीजिए ये x है ये y है तो 2 इंटू 3 माइनस 3a इक्वल टू 5 तो इन्हें 6 माइनस 3a इक्वल टू 5 थ्री ए को उधर ले जाइए फाइव को उधर ले आइए तो सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री ए वन हो गया वन बाई थ्री इज इक्वल टू ए का मान वन बाई थ्री रखेंगे तो ये जो पॉइंट है इस लाइन पे एग्जिस्ट करने लग जाएगा ऑप्शन नंबर भी ए है नंबर इस तरह सॉल्व हुआ अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू एक्स माइनस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर a1 बाई ए टू इक्वल टू 1/3 और b1 बाई बी टू इज इक्वल टू माइनस 2/4 है ना तो ए इसमें दिख जा रहा है कि a1 बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू b1 बाई बी टू मीन्स इट हैज यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा तो एक सॉल्यूशन मतलब ऐसे कहीं कट होगा तब ना एक सॉल्यूशन आएगा मतलब इंटरसेक्टिंग होगा पहला ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग 37 नंबर ए इज द आंसर ए नंबर ऑप्शन इन ट्रायंगल एबीसी ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 degrees एंड बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी इफ ट्राइंगल ए बी सी 90 degrees है परपेंडिकुलर गिरा है
BD परपेंडिकुलर टू AC, तो क्या हो गया AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर AD हो गया, और AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर BD निकालना है। BD इज इक्वल टू व्हाट, कैसे निकलेगा BD? BD कैसे निकलेगा? 9 सेंटीमीटर है, इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी एंड एडी बी में एंगल बी ए सी और बी ए डी एंगल कॉमन एंगल हो गया, है ना। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी का है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। ये कॉमन एंगल हो गया, तो क्या बन जाएगा? तो ये दोनों सिमिलर हो ट्रायंगल हो गए, सिमिलर एंगल ट्रायंगल हो गए, और ए बी सी और बी डी सी ये भी सिमिलर एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया इस ट्रायंगल इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ये कॉमन हो गया, ठीक है। 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन हो गया, तो इसमें भी ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल। तो BD बाई CD इज इक्वल टू AD बाई BD हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है BD, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू CD। तो BD AD इंटू CD, AD का वैल्यू दिया हुआ है, AD का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, और CD भी दिया हुआ है। CD निकाल सकते हैं हम लोग, CD AD AD 3 दिया हुआ है, AC 9 दिया हुआ है, तो CD 6 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो BD का स्क्वायर हो गया 9, तो BD इज इक्वल टू √9 इक्वल टू 3, 9 नहीं सॉरी 18, 6 18, तो ये हो जाएगा 18 √18 का वैल्यू हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। 3√2 नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व। अभी 38 नंबर देखिए, इसके अभी जो सेक्शन बी का क्वेश्चन सब है थोड़ा लंबा क्वेश्चन सब आ रहा है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, सर्कमफेरेंस विल इंक्रीज्ड बाय कितना बढ़ेगा? रेडियस ये सर्कल पहले ऐसा था, रेडियस इसको 25% बढ़ा दिया, अब ये सर्कल जो बना इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो वाले बात
इसको मान लेते हैं अर्थ है, लेट द रेडियस इज आर, तो न्यू रेडियस रेडियस आर एंड सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 2πr, अच्छा न्यू रेडियस जो हो गया वो 25% इंक्रीज कर जाएगा, तो r प्लस 25% 25 तो 100r, तो 125r हो जाएगा, 125/100 r हो गया, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 25 से काटेंगे 25 तो 5r/4 हो गया, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 × 5 × 5r/4, कट गया 2 5/5πr/2 हो जाएगा, तो ये न्यू सरकमफ्रेंस होगी, तो इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस कितना है, इंक्रीज कितना करेगा, इंक्रीज इन सरकमफ्रेंस कितना हो गया, तो 5/2 − 2πr, तो यहाँ तक हो गया 5πr/2 − 2πr, आए मुझे तो हो गया आधा πr/2 बचे, इतना सेंटीमीटर बचे, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे होगा, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू πr/2 डिवाइडेड बाई कितना 2πr में कितना था 2πr × 100, 2πr इसको ऊपर ले चलते हैं, तो πr/2 × 1/2πr × 100, तो πr ख़त्म, r ख़त्म, 100/4 दैट इज 25%, मतलब 25% बढ़ेगा इधर, 25% बढ़ाया गया तो इधर भी 25% बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 38 नंबर ऑप्शन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है द वैल्यू ऑफ 4 sin² 60° प्लस 3 tan² 30° माइनस 8 sin 45° cos 45° इज, इसमें सब 45 सब वैल्यू पुट करना, 45 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री और 30 डिग्री इसका वैल्यू पुट करना, तो कर देते हैं 4 sin 60° का वैल्यू होता है 3/2 दैट इज 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 tan 30° का वैल्यू होता है 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस 8 × sin 45° sin 45° का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू cos 45° का वैल्यू सेम होता है 1/√2, तो इसको स्क्वायरिंग कर लेने के बाद 3/4 प्लस 3 × 1/3 माइनस 8 × 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा,
फोर फोर ख़त्म, थ्री थ्री ख़त्म, दो दो के आठ, तो हो गया थ्री प्लस वन माइनस फोर दैट इज आंसर जीरो। इतना किया आंसर आया जीरो। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए मीन जीरो, 39 का इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 39 का आंसर है जीरो। तो इस तरह से 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा। फोर्टी नंबर किस तरह से सॉल्व करेंगे, 40 नंबर क्या क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर ए बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स आफ्टर वन प्लेस ऑफ डेसिमल इज। करेंगे 1/3 वाला ऑप्शन है 3/10, तो आंसर आ जाएगा 0.1 डेसिमल प्लस वन, एक डेसिमल के बाद ख़त्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो ये आपका आंसर है 3/10 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 41 क्वेश्चन बोलता है अब केस स्टडी 41 से जो है वो केस स्टडी है, दो केस स्टडी मिलेगा आपको। तो पहला केस स्टडी में बोलता है टू होटल्स आर एट द ग्राउंड लेवल ऑन आइदर साइड ऑफ द माउंटेन, वन मूविंग सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स द टॉप द माउंटेन, टू हट्स आर सिचुएटेड एट फिगर, फिगर बना हुआ, फिगर देखिएगा क्वेश्चन पेपर में। द टू रेशियो बिटवीन द रेशियंस ऑफ द होटल टू टू हट बी एंड हट बी आर 3:7, यहाँ माउंटेन बना हुआ, एक फिगर यहाँ दिया हुआ, यहाँ माउंटेन बना हुआ, यहाँ एक हट है, यहाँ एक हट है, और इसमें एक होटल बना हुआ है, एक होटल है, यहाँ एक होटल है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे होटल है, माउंटेन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हट है दोनों साइड में, अब टॉप में माउंटेन है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, सिमिलर ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन बोलता है व्हाट इज द रेशियो 3:7 में है, ये 3 है, ये 7 है, ये चीज़ बताया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो of the perimeter of the triangle formed by the hotel and the mountains top to the triangle formed by the both huts and the mountain, तो perimeter of इसको मान लेते a है, a sorry इसको a मान लो, ये b है, ये c है ना, इसको d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर का बोलता है रेशियो निकालना है, ए बी डी, ए बी सी और डी ई, डी ई सी, पेरीमीटर पेरीमीटर of triangle ABC divided by perimeter of triangle CDE is equal to BC by EC, BC equal to C plus BE divided by EC, तो 7+3 बाई 7
थ्री इसी तो सेवन, सॉरी सेवन दस बटा सात ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 41 सॉल्व 42 बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द होटल वन एंड हट ए, होटल वन होटल वन है होटल टू मान लेते हैं इसको, ये हट वन हो गया, ये हट टू हो गया, ये माउंटेन हो गया, होटल वन एंड होटल हट हट ए, होटल वन हट ए है ना, तो ये होटल वन हो गया कितना होगा, तो डी ई इज पैरेलल टू ए बी, डी इज पैरेलल टू ए, सो सी डी, सी डी बाई ए डी, सी डी बाई ए डी इज इक्वल टू सी ई बाई बी ई बी, ई बी सी बाई ई बी, सो दस सी डी, सी डी तो पूरा सी डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन का डायग्राम में दिया हुआ है, ये 10 माइल है, ये 10 माइल दिया हुआ है, तो सी डी का वैल्यू 10 और ए डी इज इक्वल टू सी ई 7/3, तो ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी इज इक्वल टू टेन इंटू 3/7, दैट इज 30/7, 4.229 माइल्स, ये माइल्स में दिया हुआ माइल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 43 नंबर क्वेश्चन सेम इसी में से पूछता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हट ए एंड हट बी इज 8 माइल, देन डिस्टेंस बिटवीन द टू होटल, इसका दे दिया है एग्जाम पेपर में माइल्स 8 माइल्स है, तो इसका मांग रहा है सिंपल है, तो ये पैरेलल क्योंकि सिमिलर एंगल सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो डी ई बाई ए बी, डी ई बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई सी बी, तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू सी बी इंटू डी ई डिवाइडेड बाई सी ई, सी बी सी बी सी बी 10 हो गया इंटू डी ई, डी ई 8 हो गया, सी ई सी ई 7 हो गया, 80/7 दैट इज 11.43 माइल्स, 11.343 माइल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है इफ द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन टॉप टू हट ए इज 5 माइल्स, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम माउंटेन तो 44 नंबर क्वेश्चन बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन टॉप टू हट ए इज 5 माइल्स more than that of the distance from hotel 2 to the mountain top, then what is the distance between the hut B and mountain top, वो डायग्राम अगर फिर से बनाते हैं हम है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये हट है, ये हट है, हार्ट वन हार्ट टू एच वन कर देते हैं, हार्ट वन हार्ट टू, ये बड़ा बिल्डिंग होटल है, वन होटल वन, ये होटल टू है, ये
उसको बनाया करते हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से बनाए। तो डी सी, डी सी इक्वल टू 5 + BC, सेकंड होटल का दूरी का डबल, 5 miles मोर देन सेकंड बोलता है, 5 miles ज़्यादा है एंड होटल 2। ठीक है, तो क्लियरली बी सी क्या है, बी सी इक्वल टू, बी सी जो है, बी सी वो डी सी, डी सी दिया हुआ, डी सी कितना दिया हुआ है, एक मिनट, क्वेश्चन में दिया हुआ 10 miles, ये 10 miles दिया हुआ, 10 miles दिया हुआ। तो बी सी इक्वल टू 10 - 5, दैट इज 5 miles, बी सी इक्वल टू बी सी 5 miles दिया हुआ। अब क्वेश्चन तो ये है कि सी ई इज इक्वल टू 7 by 10 into 7 by 10 into 50। सी ई जो है वो 7 by 10, क्यों 7 by 10, ये देखिए ये 7 by 3, इसका पहले से रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा 7 by 3 3 by 3 7 रेशियो में दिया हुआ। तो ये सी ई, सी ई इज इक्वल टू सी ई और बी सी का रिलेशन जो है वो इस तरह से है, तो जो कि आपका 7 by 10 into BC, बी सी की वैल्यू निकाले अभी 5, दैट इज 3.5 miles। ऑप्शन नंबर है आपका 44 का 3.5 है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा 45। विच प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर्ड बी एंड माउंटेन टॉप। थेल्स फॉर्मूला का यूज करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें कुछ ये नहीं है। थेल्स फॉर्मूला विल बी यूज टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर्ट बी, हर्ट बी है ना, हर्ट बी जो है ये सेकंड हर्ट जो है एंड माउंटेन। तो इसका ऑप्शन होगा थेल्स, थेल्स फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस स्टडी जो है, सेकंड केस स्टडी ये बहुत आसान दिया है, बहुत आसान, इसलिए कैसे देगा। चिल्ड्रन विल प्ले द गेम बाय मेकिंग सम राइट एंगल ट्रायंगल ऑन द प्लेन शीट ऑफ द पेपर। दे टुक अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ टू ऑफ इट साइड ए सी। देखिए डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन में, एक केस स्टडी बी नंबर केस स्टडी है, एक डायग्राम बनाया हुआ है क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है ए बी और सी। इसमें दिया हुआ 20 सेंटीमीटर है ये 90 डिग्री का कोण है और ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड ए बी सी 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्व द इक्वेशन। पहला इक्वेशन 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है, यूजिंग द अबव डाटा यूज साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। अब पी का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, पहले सबसे पहले तो पी का वैल्यू निकालिए, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू। तो पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू होता है। ठीक है, निकाल कर रखना उसमें ज़रूरी है। तो ये 625 माइनस 20 का हो जाएगा 400 का रूट, 625 माइनस 400 225,
करोड़ ये हो गया आपका 15, तो ये हो गया 15, इसको हम निकाल लिए। अब साइन ए, ए एंगल ये है, ए सी एंगल है, साइन ए इक्वल टू पी वजह पी हो गया, एच हो गया, इसके लिए 20/25 दैट इज 4/25 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है यूजिंग द साइन सी का वाले निकालिए, तो साइन सी ये एंगल, साइन ये एंगल सी है, तो साइन सी इक्वल टू पी बाई एच दैट इज 15/25 5 × 15 = 25 3/5 दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन बोलता है यूजिंग द अबव डाटा वैल्यू टेन सी का फॉर्मूला निकाल, टेन सी इक्वल टू निकालिए, ये सी है एंगल, तो टेन सी इक्वल टू पी बाई एच पी बाई बी दैट इज पी हो गया 15, बी हो गया 20, 5 × 15 = 20 3/4 ऑप्शन नंबर बी दिस इज ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यूजिंग द डाटा वैल्यू कॉस ए का वैल्यू निकालिए, कॉस ए दिस इज द एंगल ए, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई एच ये बी हो गया, ये एच एच हो गया दैट इज 15/25 तो 15/25 5 × 15 = 25 ऑप्शन नंबर कॉस ए ऑप्शन नंबर 3/5 ए। और 50 नंबर क्वेश्चन बोलता है टेन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई टेन ए माइनस साइन ए। अब इसमें वाले टेन साइन ए का वैल्यू निकला हुआ है, टेन ए का निकाल देना है, तो टेन ए इक्वल टू पी बाई बी होता है, ए है ए है, तो ये पी बाई बी 20/15 फुट कीजिए, तो हो गया 5 × 15 = 20 4/3 ठीक है। अब इसमें सारा कुछ को पुट कर देना है, टेन ए का निकला है अभी 4/3 प्लस साइन ए, साइन ए का है 4/5 डिवाइडेड बाई टेन ए, तो 4/3 प्लस है माइनस साइन ए का 4/5 4 दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इस बढ़िया से देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जिसमें 40 क्वेश्चन करना है, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा। तो सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, जय हिंद।